तो हेलो एंड वेलकम गाइस, कैसे आप लोग। तो आज मैं फिर से एक और नई सीरीज को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। स्टार्टिंग में दो बंदे को देखा जाता है जो कि किसी को घसीट कर लाके जो पत्थर है वहां पे पटक देते हैं। ये होता है अपना मेन कैरेक्टर, यानी कि जिसको पटकते हैं वही सीरीज का मेन कैरेक्टर होने वाला है। वो लोग बोलते कि यार हम कितने अनलक्की है, हमने इसे इतना मारा फिर भी इसने हमें पैसे नहीं दिए। फिर हमसे उनको मिडिल फिंगर दिखाता है और बोलता है कि तुम कमीने बंदे, तुमने तो कहा था कि जब तक मैं खत्म करता हूँ तब तक मुझे पैसे देने की कोई भी जरूरत नहीं है। फिर एक बंदा उसको लात मारता है और बोलता है कि तुम कमीने बंदे, वो पहले से 7 बार बेहोश हो चुके और तुम्हें जो लियो का जो कोटा है वहाँ पे आने की कोई भी जरूरत नहीं है। यानी कि एमसी कोटे पे गया था और 7 बार उसने एक लड़के को बेहोश किया है और वो लोग बोलते हैं कि तुम कमीने बंदे, तुमने 7-7 8-8 बार किया है फिर भी तुम सेटिस्फाई नहीं हुए। और वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। एमसी उसको देखता है और बोलता है कि मैं 21st century का एक रिस्पेक्टेड आदमी था, लेकिन मुझे दूसरी दुनिया में समन किया गया और मैं क्या यहाँ पे ऐसे ही मरने वाला हूँ क्या, ऐसा नहीं हो सकता। फिर मैं आसमान में किसी को दिखा जाता है जो कि बहुत ही तेजी से जो एमसी है उसी की तरफ बढ़ता है और सीधा एमसी के घोड़े पे लैंड हो जाता है। एमसी बोलता है कि ओ माय गॉड, मेरा घोड़ा, और वहाँ पे पूरा धुआई धुआ हो जाता है। वहाँ से निकलती एक लड़की, वो बोलती मैं कहाँ पे हूँ। वो नीचे दिखते और बोलते कि तुम कमीने बंदे, तुम्हारी हिम्मत कैसी थी, मैं तो बस यहाँ से जा रही थी लेकिन तुमने अपने डेडली वेपन से मुझ पर हमला किया है। एमसी बोलता है कि तुम कमीनी, तुम्हारा पूरा परिवार कमीना, और वैसे भी मैं यहाँ पे सोया था और तुम ही थी जो कि मुझसे टकराई हो। फिर वो बोलती है कि एक मिनट, तुम कमीने बंदे, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझसे ऐसे बात करने की। और वो पीछे देखते हैं और बोलते हैं कि मैं तुम्हारा हथियार जब्त करने वाली हूँ। और वो उसके पास आती है और बोलती है कि एक मिनट, मैंने अभी भी किसको हाथ लगाया है, तुम्हारे पास तो नेचुरल ही नहीं आएंगे। और वो बिल्कुल इसके पास आती है और बोलते है कि ओ माय, तुम तो पहले से बेजान पड़े हुए हो, लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम मरने तो नहीं वाले क्योंकि तुम और तुम्हारा जो मास्टर है उसने मुझे कॉन्टेक्ट किया है और मुझे पता चल गया है कि तुम्हें कैसे बचाया जा सकता है। और बिल्कुल उसके पास आती है और बोलती है कि मैं अभी तुम्हारी मास्टर हूँ और मैं तुम्हें पर्सनली जो 9 sense 8 है वो पास करने वाली हूँ। और उसको किस कर देती है और बोलती है कि डियर डिसिपल, ये डिवाइन आर्ट है जिसे कि 9 sense कहते हैं, जो कि मेरे मास्टर रिंग युआन जिन्होंने बनाई थी, और ये तुम्हें बचाने वाली है, यानी कि तुम्हारी जिंदगी को बचाने वाली है, तो तुम इसे ढंग से याद कर लेना। और उठ जाती है और बोलते है कि लेकिन तुम याद रखना कि जब तक तुम क्यूएसएस में नहीं पहुंचते तो तुम्हारी जो यंग यंग इनेट बॉडी है वो टूटी नहीं चाहिए, अगर ऐसा हुआ तो तुम जलकर मर जाओगे और तुम्हें बचना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। फिर उड़ के वहां से जाने लगते और बोलते है कि हम फिर से मिलेंगे जब तुम क्यूएसएस में पहुंच जाओगे। एमसी बोलते है कि एक मिनट रुको तो, लेकिन वो नहीं रुकती, वो वहां से चली जाती है। फिर हमें 300 साल बाद टैंगशांग सिंधु नाम की जगह का सीन देखा जाता है जहाँ पे एक बुड्ढा पानी में कल्टेट कर रहा होता है और बिल्कुल उसके पीछे जो कुत्ते वो अपना गबा गप कर रहे होते हैं। फिर बुड्ढे को आ जाता है गुस्सा, वो बोलता है कि क्या तुम्हें मैनर्स नहीं है क्या, एक बुड्ढा यहाँ पे कल्टेट कर रहा है और तुम उसे डिस्टर्ब कर रहे हो। कुत्ते बोलते हैं क्या, हम तो कुत्ते हैं, हम तो कहीं भी कर सकते हैं, इससे तेरा क्या। लेकिन बुड्ढे को आ जाता है गुस्सा, वो बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, तुम्हारे सामने एक नंगा बुड्ढा खड़ा है लेकिन फिर भी तुम ऐसी हरकतें कर रहे हो। अगर आज इतना बड़ा दिन नहीं होता जिस दिन मैं क्यूएसएस में मृत्यु करने वाला हूँ तो मैं तुम्हें बताता। फिर एक कुत्ता वहां से रोके जाने लगता है और बोलता है कि ये बुड्ढा हमेशा ही मेरे काम में टांग रहता है, मैं तो यहाँ नहीं रुकूंगा, मैं तो यहाँ से चल जाऊंगा। फिर हमें एक रेंडर का सीन दिखाया जाता है, वो बोलते है भागो क्योंकि जो माउंटेन के ऊपर जो बुड्ढा है ना वो भी क्यूएसएस में मृत्यु करने वाला है तो हमें तकलीफ देगा वो बाद में, तो यहाँ से जल्दी भागो। वो बात एक गोरिल्ला भी सुनता है और बोलते क्या वो बुड्ढा, और बोलता है कि उस बुड्ढे की तरफ जो बीस्ट है वो बहुत ही गलत तरीके से देखते हैं, लेकिन अभी वो क्यूएसएस में मृत्यु करने वाला है तो हमें जल्दी जो माउंटेन का नीचे है ना वहाँ पे छुपना पड़ेगा वरना वो हमें बहुत ही ज्यादा परेशान करेगा। लेकिन उसके जो पार्टनर होते हैं वो बोलते हैं कि लेकिन कुछ भी कहो जो लीन है वो बहुत ही ज्यादा हैंडसम है। फिर हमें उसी बुड्ढे को दिखाया जाता है जिसका कि ब्रेक थ्रू होने वाला होता है और उसका फाइनली ब्रेक थ्रू हो जाता है और वो फिर से यंग बन जाता है, यानी कि यही मेन कैरेक्टर होता है। वो बोलता है कि फाइनली मैंने क्यूएसएस में ब्रेक थ्रू किया है और मैं आगे के 300 साल बहुत अच्छे से बिताऊंगा। और अपनी तरफ देखता है और बोलता है कि मैंने पूरे 300 साल काम किया है इस पे लेकिन मैं कामयाब हो चुका हूँ, लेकिन अब से मेरे बहुत बड़े बड़े गोल है। सबसे पहला कि मुझे बहुत सारी बीबियां और कोकुम भाई बनानी है, दूसरा कि मुझे दिन में 3 बार खाना चाहिए, और तीसरा मैं रात भर मजे करूंगा यानी कि अपनी बीबी के साथ, और मैं अपना बहुत ही बड़ा परिवार बनाने वाला हूँ। फिर एमसी नीचे देखता है, नीचे कुछ हलचल होने लगते हैं। एमसी बोलता है ये तो समझ नहीं आ रहा है, और हंसते बोलता है कि अभी तो मजा आएगा ना बीड़ू, ये मेरा पहली बार है कि मैं होली रिलम में ट्रेवल करने वाला हूँ, इसमें तो बहुत ही ज्यादा मजा आएगा क्योंकि मैं
मैं भी स्टेज ली लूँ तो चलो चलते हैं। फिर शिव शिव होता है, हम एक लड़के को दिखा जाता है जो कि उसी समय अरे के आगे होती है। वो बोलती है कि हमारे देश को जो डीमस और जो भूत है उसने पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया है, तो मैं अपनी जिंदगी के 10 साल देती हूँ, नहीं 1 साल देती हूँ, तो गॉड हमें एक ऐसा सीज दो कि वो हमारी रक्षा कर सके। फिर जो एमसी है उसके सामने आ जाता है, वो भी नंगा, वो बोलते क्या इतना बड़ा। फिर वहाँ पे ब्लास्ट होता है, एमसी बोलता है कि तुम तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो। वो बिल्कुल उसके ऊपर होता है और बोलता है कि तुम्हारा फिगर तो बहुत अच्छा है लेकिन जो तुम्हारा चेहरा है उससे मैं तुम्हें सिर्फ 3 ही पॉइंट देता हूँ। फिर वो लड़की होती है वो बहुत ही ज़्यादा शर्मन लगती है और बोलती है कि तुम ही ऐसे जल्दी हट जाओ। फिर एमसी पीछे हट जाता है। फिर वो लड़की बोलती है कि तुम नंगे पर्वत आदमी, तुम्हारी हिम्मत कैसे भी मुझे से ले करने की, तो मैं तो तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। और अपने पास से कुछ निकाल लेते हैं और बोलते हैं कि मैं तुम्हें आज मारने वालू और उसकी तरफ भेज देते हैं। फिर एमसी के ऊपर एक एरे बन जाता है, बोलते हैं क्या यहाँ पर तो सिर्फ 2 बॉर्डर है, लेकिन जो एमसी है वो नीचे धस जाता है यानी कि पूरा छप जाता है उस प्रेशर की मदद से। फिर वो लड़की बोलते है कि मास्टर ने ये एंसर समनिंग एरे मेरे लिए छोड़ा है लेकिन इसने इस दिशा कचरा आदमी समझ किया है, अगर कुछ समझ भी नहीं करता तो मैं खुश हो जाती। फिर जो एमसी है वो बोलता है 1 मिनट यहाँ पे चल के रहा है, मेरी 3 साल की जो कंडीशन है वो कहाँ चली गई है। लेकिन उससे जो लड़की है वो बोलते क्या ये तो इम्पॉसिबल है, इसने तियानन प्रोटेक्शन को डिस्टर्ब कर दिया, ऐसा नहीं हो सकता। फिर एमसी अपने 9 सेंस डिवाइन आर्ट का इस्तेमाल करता है और बोलता है कि ये आर्ट 108 पहाड़ को जला सकती है लेकिन ये इतनी सी बन गई, ऐसा नहीं हो सकता। और वो एंशिएंट एरे को देखता है और बोलता है कि ये एंशिएंट समनिंग एरे है और एक छोटी बच्ची के पास इस जैसी चीज है, ऐसा नहीं हो सकता, मैं इसे तबाह कर दूंगा। और वो अटैक करता है लेकिन उसका कुछ घंटा असर नहीं पड़ता। वो बोलता है कि मेरी कल्टीवेशन लिमिटेड है और मेरे पास थोड़ी बहुत एबिलिटी बची है तो मुझे इसे ध्यान से इस्तेमाल करना पड़ेगा। और अपने आप को सर्च करने लगता है और बोलता है कि मेरे पास अभी कौन सी आर्ट है। फिर एमसी उस लड़की को पकड़ लेता है यानी कि उसके ब्रा को या कुछ और नहीं मिला पकड़ने के लिए और बोलता है कि छोटी बच्ची तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी कल्टीवेशन को कम करने की, इससे मैं अपना हरम कैसे चलाऊंगा, मैं अपनी हरम की जिंदगी कैसे जीऊंगा। वो बोलती क्या ये मुझे कैसे पता चलेगा और मेरे पास इंट्रक्शन मैनुअल नहीं था इसलिए थोड़ी गड़बड़ हो चुकी है और वैसे भी मैं तुम्हारे जैसे कमीने बंदी के साथ नहीं रहना चाहती। वो उसे छोड़ देता है और बोलता है कि 1 मिनट तुम्हारे पास समय नहीं रहे इसका मतलब तुम एम्परर हो है ना। वो बोलती क्या तुम सोच कह रहे हो और मैं तुम्हें वार्निंग देती हूँ कि अगर तुम्हारे दिमाग में ऐसा वैसा ख्याल आ चुका है तो तुम वो निकाल दो, मैं उस तरीके की बंदी नहीं हूँ। फिर एमसी बोलता है क्या इस औरत के साथ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। फिर उसको पकड़ लेता है और बोलता है कि भूल जाओ इसके बारे में, मैं एक एम्परर हूँ और मैं अपना खुद का हरम बनाना चाहता हूँ यानी कि हेवन ने हमारी जोड़ी ऊपर से बनाई है। फिर एम्परर से बोलती है कि तुम यहाँ गंद मत फैलाओ क्योंकि जो एम्परर है उसके हरम की 3 कोंकुपाई अभी भी जिंदा है और उसको डिस्मिस नहीं किया गया है और यहाँ पे तो तुम ही एक अश्लील दानव हो। तो ये चैप्टर ये भी खत्म होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।